नमस्ते। आज हम लंग कैंसर से जुड़ी हुई कुछ उसके जो लक्षण होते हैं, उसके ट्रीटमेंट होते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किसी मरीज में कैसे चुनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लंग कैंसर के लक्षण कुछ आम सांस की बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं, जैसे खांसी आना, सांस में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, बलगम में खून आना। इसलिए बहुत बार और खासकर भारत के अंदर ऐसा होता है कि इसका पता लेट चलता है और भारत के अंदर लगभग 60-70% केस तीसरे या चौथे स्टेज में लंग कैंसर के डायग्नोस होते हैं। तीसरे या चौथे स्टेज में पहुंचने के बाद में इन पेशेंट्स को पूरी तरह ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे पास में जो ट्रीटमेंट हैं उसमें तीसरे स्टेज और चौथे स्टेज के अंदर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के जरिए हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरे स्टेज में मेन ट्रीटमेंट जो होता है लंग कैंसर का, वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर इम्यूनोथेरेपी भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कॉस्ट एक थोड़ा इशू आता है हमारे लिए। फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज में लगभग सभी पेशेंट्स में एक बात पक्की है कि हम कैंसर को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, पर हमारा मकसद इन पेशेंट्स के अंदर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना, इम्प्रूव करना, ये मेन रहता है। इसके लिए हमारे पास में तीन ट्रीटमेंट हैं, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी की बात करें तो ये काफ़ी समय से हम इसको लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग कर रहे हैं। जो पिछले दशक में जो इम्प्रूवमेंट आया वो ये है कि जो पहले उल्टी वगैरह कीमो से होती थी, जो इन्फेक्शन होते थे, वो आज के जो हमारे पास में ट्रीटमेंट में उसके उस रिस्क को काफ़ी कम कर देते हैं। टारगेटेड थेरेपी की बात करें तो किसी कैंसर, लंग कैंसर के अंदर पर्टिकुलर कि कौन सी टारगेटेड थेरेपी काम करेगी, इसको चुनने के लिए हम जो लंग कैंसर का टिश्यू होता है, बायोप्सी का सैंपल होता है, उसमें से कुछ टेस्ट करते हैं। उन टेस्टों के मुताबिक हमें पता चलता है कि वो कौन सा लंग कैंसर का टारगेटेड थेरेपी हम उसमें यूज़ करें। टारगेटेड थेरेपी की अगर हम कीमोथेरेपी से तुलना करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टारगेटेड थेरेपी आमतौर पर गोली के तौर पर उपलब्ध हैं, इन पेशेंट्स को एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती और ये OPD बेसिस पे कीमोथेरेपी के मुकाबले कहीं ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट के साथ में एक फोर्थ स्टेज के पेशेंट के अंदर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी एक नया टूल है हमारे लिए जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आ रहा है। लंग कैंसर के अंदर ये अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इन्होंने सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर। और इम्यूनोथेरेपी जो काम करती है वो बेसिकली जो कैंसर अंदर छुपा हुआ बैठा है हमारे शरीर में कि हमारा शरीर उसको पहचान नहीं पा रहा, तो उन सिग्नल को ये इम्यूनोथेरेपी ब्लॉक करती है और हमारा खुद का शरीर उस कैंसर को पहचान के उसको नष्ट करता है। इम्यूनोथेरेपी अभी भारतीय पेशेंट्स में यूज़ की जा रही है, पर इसकी कॉस्ट की वजह से अभी भी ये काफ़ी पेशेंट्स इसको नहीं ले पाते। पर जहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, लगभग 15-20% पेशेंट लंबे समय तक इस इम्यूनोथेरेपी के सेवन से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम मिलकर कैंसर को हराएं। धन्यवाद।